जहां दोस्तों पीएम मोदी लाइव आकर घोषणा कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आवास प्लस के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक महिला है तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी योग्य लाभार्थी है उन सभी लोगों के लिए दोस्तों ये बड़े बदलाव कर दिया गया है, नया नियम लागू कर दिया गया है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत क्या बड़ी बदलाव कर दिया गया है, क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है जिससे लाभार्थियों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत जो बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों अभी तक 70% महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। और दोस्तों जितने बच्चे महिला है उन सभी योग्य महिलाओं को दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग आवेदन करके आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक महिला है या दोस्तों आपके घर में महिला है तो दोस्तों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आज से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अपने ही पंचायत कार्यालय पर और नगर पालिका पर किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप शहरी के अंतर्गत है तो आप अपने नगर पालिका पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप ग्रामीण के अंतर्गत है तो दोस्तों आप पंचायत कार्यालय पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप लोगों को 3 महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये नया नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 1 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा है, जिसे दोस्तों जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप लोगों को 3 महीने के अंतर्गत कंप्लीट हाउस दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों जो दूसरी बड़ी बदलाव कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा पेंडिंग में है, जो कि दोस्तों आपका 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से आप लोगों का पैसा पेंडिंग में है, आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का, तो आज के डेट में आप सभी लोगों को पैसा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों पीएम मोदी लाइव आकर घोषणा कर दिया गया है। सभी राज्य के अंतर्गत जितने भी लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग में है, आज दोपहर 12 बजे से सभी लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 1,40,000 लाभार्थियों को आज के डेट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट पर, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप 2023-24 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन किए हैं तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आज के डेट में नया लिस्ट भी निकल कर आ चुका है। 15 राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट निकल कर आ चुका है। अगर आप इन 15 राज्य के अंतर्गत है तो दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं, जिसने आप लोगों का नया लिस्ट निकल कर आ चुका है। और नया लिस्ट निकल कर आने के बाद लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। इन 15 राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट निकल कर आ चुका है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, जिससे दोस्तों लाभार्थियों का ये नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।